संतुलित करना सिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये हम एक विधि होती है हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, यानी बार बार हम कोशिश करके देखते हैं, अगर गलत हो जाता तो दोबारा से करके देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ इस तरफ उत्पाद में हमें ऑक्सीजन बढ़ानी है, हम यहाँ नीचे नहीं बढ़ा सकते, इसमें पूरे में यहाँ ऑक्सीजन दो कर देंगे। अब फिर देखिए, हमने ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए मैग्नीशियम की बढ़ा दी हमने, Mg की, तो यहाँ उत्पाद में दो मैग्नीशियम है परंतु अभिकारकों में केवल एक मैग्नीशियम है, तो हम ये यहाँ भी कर देंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ इस तरफ मैग्नीशियम दो हैं, उस तरफ भी दो मैग्नीशियम हैं, यहाँ इस तरफ ऑक्सीजन दो हैं, उस तरफ भी ऑक्सीजन दो है। ये जो दो लिखा है इसका असर इस पे भी है, यानी मैग्नीशियम भी दो हो गए हैं और इसका असर ऑक्सीजन पे भी है, ऑक्सीजन भी दो हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये हमने कर दिया, यहाँ दो और ये यहाँ दो। एक है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण होता है, इसको अगर हम संतुलित करना चाहें, देखिए यहाँ हाइड्रोजन दो हैं, यहाँ उत्पाद में भी हाइड्रोजन दो हैं, यानी हाइड्रोजन ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन अभिकारक में दो हैं और उत्पाद में एक है ऑक्सीजन। फिर बता रहा हूँ मैं, हम यहाँ नीचे नहीं बढ़ा सकते, ये फार्मूला नहीं रहेगा, फार्मूला नहीं हमें छेड़ना है। यहाँ पे दो जल हो गए हैं, जल के दो अणु हो गए हैं, यहाँ दो कर दिया है। अब देखिए, हाइड्रोजन दो गुणा दो, चार हाइड्रोजन है इसमें और ऑक्सीजन दो हैं। तो जब हमने ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या बराबर करनी चाहिए, तो उससे हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गई, यहाँ चार हो गई उत्पाद में, तो हम अभिकारक में भी इसको चार करेंगे। अगर हम मैं यहाँ दो लगा देता हूँ, तो देखिए दो गुणा दो, चार हाइड्रोजन, उत्पाद में भी चार हाइड्रोजन, अभिकारक में दो ऑक्सीजन है, उत्पाद में भी दो ऑक्सीजन है, यानी हमारी समीकरण संतुलित है। अब देखिए, एनसीईआरटी किताब में एक और समीकरण दे रखा है, उसको संतुलित करना सिखा रहा हूँ मैं। इस समीकरण को संतुलित करना है, ये एफ ई लोहे का प्रतीक है, आयरन का प्रतीक है, ये जल है, ये एफ ई थ्री ओ फोर फेरस फेरिक ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस है। तो देखिए, इनको संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि अपनाते हैं हम। ये इस तरह से लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहला है आयरन लोहा, आयरन का एक परमाणु है यहाँ पे और इसमें एफ ई कितने हैं, थ्री हैं। तो सबसे पहले हम इनको बराबर करेंगे, एफ ई को बराबर करेंगे, यहाँ उत्पाद में तीन हैं तो अभिकारक में भी तीन कर देंगे। अब ये कितने हो गए हैं, तीन हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभिकारक में दो हैं और उत्पाद में भी दो हैं, यानी हाइड्रोजन तो बराबर है। तो उससे आगे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम देखेंगे जितने भी अभिकारक हों उनमें सब में गिननी है, ऑक्सीजन एक है और उत्पाद में ऑक्सीजन चार है, तो ऑक्सीजन चार ही हमें अभिकारक में चाहिए। तो किस तरह से हम ऑक्सीजन चार कर सकते हैं, अगर यहाँ मैं H2O के आगे चार लगा देता हूँ तो ऑक्सीजन चार हो जाती है, तो ये ऑक्सीजन इसकी चार हो गई है। परंतु हमने जब ऑक्सीजन चार की, ऑक्सीजन हमने चार की हैं, तो उसके साथ साथ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उत्पाद और अभिकारक में चेंज हो गई है। देखिए, हाइड्रोजन अभिकारक में दो हैं, सॉरी उत्पाद में दो हैं और अभिकारक में चार दूनी आठ, आठ हाइड्रोजन हैं, ये आठ हो गए हैं। तो हम उत्पाद में भी बढ़ा देंगे, किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ दो अगर मैं यहाँ चार कर देता हूँ तो चार दूनी आठ, आठ हो गए हैं। एक बार फिर हम देखेंगे क्या हमारे सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, आयरन तीन है और इसमें अभिकारक में इस तरफ भी तीन है, ठीक है, हाइड्रोजन चार दूनी आठ, आठ ठीक है और यहाँ भी चार दूनी आठ ठीक है।
अब बात बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन चार हैं अभिकारक में और यहाँ भी ऑक्सीजन चार है, इसका मतलब हमारी जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। एक और मैं बताना चाहूँगा कि रासायनिक समीकरण में हम अगर जैसे ये गैस के रूप में है तो जी लिख लेते हैं ब्रैकेट में, अगर कोई ठोस के रूप में है कोई तत्व कोई पदार्थ तो एस लिख लेते हैं ब्रैकेट में, और लिक्विड के रूप में है तो एल लिख लेते हैं, और जलीय रूप में है तो ए क्यू एक्वस लिख देते हैं बीच में ब्रैकेट लगा के। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक था, इससे आगे का टॉपिक अगली वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद।